यूँ तो विभिन्न मनोरंजक एवं सामाजिक कार्यक्रमों से रोकड़ेज ज्वेलर्स हमेशा ही चर्चा में बना होता है। वहीं रविवार 5 मार्च को भी शहर के सुप्रसिद्ध रोकड़ेज ज्वेलर्स एवं सराफा क्रिकेट क्लब द्वारा संयुक्त रूप से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। लकड़गंज के सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्राउंड पर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहाँ कुल 8 टीमों ने सहभाग लिया। वहीं लीग राउंड होने के बाद कुल 4 टीमों ने सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाई, जिनमें कोठारी ज्वेलर्स की टीम, गलाई वालों की टीम, राफा टीम और बंगाली टीम शामिल थी, जिसके बाद रात में इस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 8 से रात 9 बजे तक रखा गया था। वहीं इस टूर्नामेंट में जीतने वाली पहली टीम के लिए ट्रॉफी के साथ ही 25,000 रुपए का कैश प्राइज, तो वहीं दूसरे नंबर पर आने वाली टीम के लिए 15,000 रुपए का कैश रखा गया था। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। जो टूर्नामेंट प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें 8 टीमें सहभागी ले रही थी, जिसके लीग राउंड हो चुके हैं। अभी सेमीफाइनल के 2 मैच बाकी है। सेमीफाइनल में कोठारी ज्वेलर्स गलाई वाले हैं, जो सोना गलाते हैं। तीसरा एक सराफा टीम है और चौथा एक बंगाली की टीम है, सिनू भाई करके। ऐसी 4 टीम्स सेमीफाइनल में पहुँची है। अभी पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है अभी, जिसका हमारा फर्स्ट प्राइज़ है 25,000 रुपये और सेकेंड प्राइज़ है 15,000 रुपये। एक ही दिन का टूर्नामेंट है हमारा, ये सुबह से लेकर शाम तक का। नाइट में 3 मैच रखा है, शाम में भी लाइट में मैचेस होंगे। अभी कैमरा पर्सन अजीत कुवर के साथ अक्षय अंसारी, BCN न्यूज़, नागपुर।